हाय गाइस, सब कैसे हो? अच्छे रहिए। तो मैंने अभी लिया है व्लॉग बनाने के लिए, लेट हो गया है, अभी 1:15 हो गया है, क्योंकि जेरी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसके लिए अभी लेट हो जाता है आजकल। तो जेरी अभी ठीक है, सोया हुआ है। तो कल हम लोग जेरी के लिए खाना लेके आए थे, बहुत सारा पेडिग्री। यहाँ पे हम लोग जेरी को ये वाले पेडिग्री देते हैं, क्योंकि जेरी अभी 9 मंथ्स जेरी अभी 11 मंथ्स का है, अभी 1 ईयर का हुआ नहीं है, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। तो उसके बाद में हम उसको अडल्ट वाला देंगे। अभी ये पेडिग्री पपी है, 1 साल तक उसको पूरा खिलाना है, डॉक्टर ने बोला है। और हमने इसके लिए बहुत सारा ट्रीट्स लाया है, बहुत सारा, बहुत अच्छे अच्छे वाले जो जेरी खा रहा है। कैल्शियम मिल्क बोन्स भी है इसमें। ये बहुत अच्छा अच्छा है, देख सकते हैं। तो ये हम जेरी को दे सकते हैं, क्योंकि जेरी पपी है, इसके लिए ये ट्रीट्स दे सकते हैं और उससे कुछ भी काम करवा सकते हैं। जैसे वो अभी तक शेक हैंड नहीं करता है, उसको बोलेंगे सिट डाउन नहीं बैठता है, क्योंकि वो स्टबन गाय है इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें उसके लिए लेके आए कि ये देख के हम उसे उसे बोले कि बैठो, उठो, गए सिट डाउन, डाउन, गेट अप, ऐसे बोल सकते हैं, तो वो मानेगा हमारी बात, नहीं तो वो नहीं मानता हमारी बात। और आज तो चॉकलेट डे है, तो सबको हैप्पी चॉकलेट डे, अच्छे से रहिए, घूमिए, क्योंकि वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो एंजॉय करना तो बनता है बाबा सबको ही, का हर कपल्स को, हर सब लोगों को। तो मैंने ग्रीन टी तो पी लिया है मॉर्निंग में ही, चाय भी पी लिया है, क्योंकि आज मेरा फास्ट है और किचन तो मेरा मेसी है, जैसे मैं रोज़ आपको दिखाती हूँ। तो ये जो जेरी का लाया है पेडिग्री पपी का, वो उसके जो भी डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये ट्रीट्स के बारे में भी, अगर जिसके भी घर में पपीज़ है तो ऑब्वियसली वो ले सकते हैं और अपने पपीज़ को दे सकते हैं जो 1 ईयर के नीचे है। तो इसके बारे में भी मैं सारे डिटेल्स डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और मेरा ब्लॉग कैसे बनता है आप मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ बताइए, कि मैं अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करके अपना ब्लॉग्स आगे लेके आ सकूं। तो गाइस, मैंने चाय तो पी लिया, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था, फास्ट है इसलिए, और अभी चाय पिया है। और मैंने ये मंगाया है फ्लिपकार्ट से, ये लोड कवर है, प्रिटी कलर है, और ये मैंने 2 मंगाया है एक्चुअली में। ये थोड़ा डिफरेंट कलर है, स्काई ब्लू या ग्रीन लाइट बोल सकते हैं। और ये एक है जो मैंने ऑलरेडी लोड में डाला है, देखिए, इसको पीच कलर बोल सकते हैं या बीच कलर समथिंग, पीच या बीच, ये मुझे देखना पड़ेगा कौन सा कलर है, मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट मंगा दिया था और वो डाल दिया वहाँ पे। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, बहुत अच्छा है। इसमें उसका जो रस्सी होता है डालने के लिए, वो भी दिया गया है, तो हम डाल सकते हैं इसमें। तो ये फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हो, आपके पास लोड होगा तो, ये बहुत प्रॉपर लोड के लिए, अगर लोड बड़ा भी होगा तो भी ये जा रहा है अच्छे से। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पूरे डिटेल्स डाल दूँगी, अगर आपको मंगाना होगा वहाँ से तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं, आप चेक करके मंगा सकते हैं। तो मैं अभी जस्ट डॉक्टर के पास जाके आई हूँ, डर्मा, क्योंकि मेरा शैम्पू फिनिश हो गया था और मुझे हाथ पे कुछ तो इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए मुझे लोशन दिया है मैंने। जैसे आपको बताया था, मैं डर्मा ही प्रिफर करती हूँ। मैं भाजी को तो ये करके गई थी, मतलब भाजी पूरा ऐसे काट के गई थी, तो मेथी मुझे बनाना है आज, मैं मेथी और रोटी बनाऊँगी, बाकी कुछ नहीं। तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि मैं अभी जस्ट मैं डर्मा के पास जाके आई हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया था ना कैसे, तो उन्होंने मुझे ये लोशन दिया है लगाने के लिए। तो आज से मैं रात से ये लोशन लगाऊंगी और ट्राई करूंगी ये कैसा है, जो मेरा इन्फेक्शन हुआ है वो जाना चाहिए, तो मैं ये लोशन लगाने वाली हूँ रात से। तो उन्होंने बोला है कि रात को लगाइए, दिन में लगाइए, कभी भी आप लगा के रखिए, अच्छा है, वो ड्राई स्किन हो जाएगा और निकल जाएगा। तो गाइस, अभी हम सोने जा रहे हैं, रात हो गई है, तो मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि जेरी को भी अभी जस्ट दवा दिया है और आँखों में दवा डाला है, वो भी सोएगा नहीं, नहीं तो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।